तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच पहली खबर में आपको बताएंगे, पाकिस्तान से हिंदूवादी संगठनों को लगा झटका, पाकिस्तान में 15 दिनों के भीतर चौथी हिंदू लड़की ने अपनाया इस्लाम धर्म, मुस्लिम लड़के से की शादी। वही दोस्तों आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी ने मदरसों को बताया मुसलमानों का किला, बोले बहुत लोग आए चले गए लेकिन नहीं मिटा पाए मदरसों को। वही दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, रूस ने फेसबुक को दिया तगड़ा झटका, रूस ने फेसबुक की मदर कंपनी मेटा को आतंकवादी संगठन किया घोषित। वही दोस्तों आपको बताएंगे, बिल्किस बानो के समर्थन में उतरी शिवसेना, आदित्य ठाकरे ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बताया हत्यारा, जेल में डालने की मांग। वही दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे लालू यादव, कांग्रेस ने लालू यादव को भेजा निमंत्रण। वही दोस्तों आपको बताएंगे, ज्ञान बापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में किया विरोध, कोर्ट ने दबाव में आकर नहीं सुनाया फैसला, 16 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को किस राज्य और कहां से देख रहे हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर, कल के शाम नरी पाकिस्तान से हिंदू संगठनों को लगा झटका, पाकिस्तान में 15 दिनों के भीतर चौथी हिंदू लड़की ने अपनाया इस्लाम धर्म, मुस्लिम लड़के से की शादी। चौंसा पदे पाकिस्तान से आज हिंदूवादी संगठनों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान में 15 दिनों के अंदर चौथी हिंदू लड़की ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया है और मुस्लिम लड़के से शादी की है। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों को झटका लगा है, जो हिंदू धर्म की रक्षा करने का दावा करते हैं। दरअसल आपको बता दें, ये मामला पाकिस्तान के नसरपुर इलाके का है। यहाँ की मीना मेघबार नाम की 14 वर्षीय लड़की ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया है। इससे पहले एक एक करके 3 हिंदू लड़कियों ने इस्लाम धर्म अपनाया था। उन्होंने इस्लाम धर्म में अपनी आस्था जताई थी और हिंदू धर्म छोड़ दिया था। उन 3 लड़कियों ने भी मुस्लिम लड़कों से शादी की थी और इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गई थी, लेकिन अब 15 दिनों के भीतर एक और चौथी हिंदू लड़की ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया है। तो पाकिस्तान में लगातार अल्पसंख्यक हिंदू हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना रहे हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर, मनकाल कृष्ण मदरसों के सर्वे को लेकर ओवैसी का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा मदरसे मुसलमानों का किला है, बहुत से लोग आए और चले गए। चौंसा पदे असदुद्दीन ओवैसी ने देश में यूपी समेत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कराए जा रहे मदरसों के सर्वे पर नाराजगी जाहिर करते हुए एक जनसभा में कहा कि मुसलमानों को इन बातों से डरने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को खुद पर भरोसा रखना चाहिए। ये लोग जो हमारे मदरसों को निशाना बना रहे हैं, ऐसे लोग तो आते जाते रहते हैं, मेरा भरोसा रखिए कुछ नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कुछ नहीं होने वाला है, जो लोग आज हमें मदरसों के नाम पर डरा रहे हैं, याद रखिए मदरसे मुसलमानों का किला है, मदरसे मुसलमानों की चिराग है, इन्हीं मदरसों से इस्लाम की तालीम मिलती है, इन्हीं मदरसों से हाफिज़े कुरान निकलता है जो कुरान की तालीम देता है, इन्हीं मदरसों से तालीम लेकर इमाम निकलता है, इन्हीं मदरसों से मुफ्ती निकलते हैं जो फतवा जारी करते हैं। और मैं भाजपा को आज बता देना चाहता हूँ कि जो मदरसों को उठाने की सोच रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत से लोग आए और चले गए। इसी बीच अगली बड़ी खबर, मनकाल कृष्ण फेसबुक को रूस ने दिया बड़ा झटका, रूस ने फेसबुक की मदर कंपनी मेटा को आतंकवादी संगठनों की लिस्ट में डाला। चौंसा पदे रूस से आज फेसबुक को झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, रूस ने फेसबुक की मदर कंपनी मेटा को आतंकवादियों और चरमपंथियों की लिस्ट में डाल दिया है। यूक्रेन युद्ध के बीच सोशल मीडिया नेटवर्क कंपनी के खिलाफ रूस की यह कार्रवाई काफी चौंकाने वाली है। हालांकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही अलग अलग सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ रूस की बनी नहीं रही थी और अब रूस ने मेटा के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, इससे पहले मार्च महीने में ही रूस फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा चुका है। रूस की मीडिया नामक संस्था ने कहा था कि फेसबुक रूस के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, इसलिए फेसबुक पर बैन लगाया जाता है। लेकिन आज एक और बड़ी कार्रवाई रूस ने फेसबुक पर की है और मेटा कंपनी को भी आतंकवादी बता दिया है और आतंकवादी संगठनों की लिस्ट में डाल दिया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर, मनकाल कृष्ण कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लालू यादव से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का किया आग्रह, बोले इससे अच्छा संदेश जाएगा। चौंसा पदे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितम्बर से चल रही है, यात्रा को अब 1 महीने से अधिक समय हो गया है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को राज्य सुप्रीमो लालू यादव से कुछ समय के लिए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा कि आप यात्रा में शामिल होंगे तो इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। दरअसल आपको बता दें, आरजेडी के राष्ट्रीय सम्मेलन में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने सोमवार को बड़ी पार्टी कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों को 2024 में आम चुनाव में भाजपा का मुकाबला करने के लिए एक साथ आने का आह्वान किया। उनके इस आह्वान पर दिग्विजय सिंह ने उन्हें थैंक यू कहा, साथ ही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का अनुरोध भी किया। आप देखते हैं लालू यादव भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं या नहीं। अगली बड़ी की मनकाल किशन ज्ञान बापी मस्जिद पर 14 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने का मुस्लिम संगठनों ने किया प्रोच, चौंसा पदे। ज्ञान बापी मस्जिद केस में वाराणसी की अदालत में 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास बनी ज्ञान बापी मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए शिवलिंग जैसी संरचना की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। मंगलवार को इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिकाओं का विरोध किया। ज्ञान बापी मस्जिद समिति ने मंगलवार को हिंदू पक्ष द्वारा दायर उस याचिका का विरोध किया जिसमें हिंदू पक्ष ने उस ढांचे की कार्बन डेटिंग की मांग की थी, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया है कि ये ज्ञान बापी मस्जिद का बचू खाना नहीं बल्कि परिसर के अंदर पाया गया एक शिवलिंग है। अब अदालत इस मामले पर 14 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। अब देखते हैं शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने का आदेश कोर्ट देता है या नहीं, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने का विरोध किया है। इसी बीच अगली बड़ी की मनकाल किशन बिल के बानों को लेकर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा मेरे हिंदुत्व में बलात्कारियों की आरती नहीं बल्कि होती है फांसी, चौंसा पदे। महाराष्ट्र में सिंबल और नाम को लेकर चल रहे कानूनी जंग के बीच उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि 40 गद्दार हमारा नाम हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उन्होंने गुजरात के बिल्किस बानो रेप केस के दोषियों को रिहा करने पर बीजेपी की मोदी सरकार और गुजरात की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। आदित्य ठाकरे ने कहा कि क्या रेप का जश्न मनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो मेरे दादाजी ने मुझे हिंदुत्व सिखाया है उसमें कहीं भी नहीं कहा गया कि रेपिस्ट की आरती करो, पूजा करो, ये कभी नहीं कहा गया। जो भी रेपिस्ट हो उसे फांसी पर चढ़ाओ, यही मेरे दादाजी का हिंदुत्व था। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जो रेपिस्ट होता है उसका धर्म प्रांत और जाति भाषा देखे बिना उसे फांसी दी जानी चाहिए, लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया और बिल्किस बानो के आरोपियों को और बलात्कारियों को आराम से जेल से निकाल कर उनको पूरे गुजरात में भाजपा आराम से घुमा रही है। इसी बीच अगली बड़ी की मनकाल किशन नफरती बोल को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर तीखा हमला, कहा मुसलमानों का संपूर्ण बहिष्कार और मारकाट की बात करने वालों पर 72 घंटे बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जो सपने। बीजेपी नेता लगातार मुसलमानों को लेकर विवाद बयान दे रहे हैं और नफरत देश में फैला रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा और लोनी से बीजेपी के पूर्व विधायक नंद किशोर गुर्जर ने 2 दिन पहले मुसलमानों को लेकर भड़काऊ बयान दिया था। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में हिंदुओं से मुसलमानों का बहिष्कार करने की मांग की थी। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मुसलमानों के हाथ पैर काटने की बात कही थी। अब इसी को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के साथ साथ दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 72 घंटे हो गए हैं बीजेपी सांसद के विवादित बयान सार्वजनिक हुए लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी के सांसद दिमाग ठीक करने की बात और मुसलमानों का संपूर्ण बहिष्कार करने की धमकी देते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। उन्होंने कहा कि लोनी के एक और बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मारकाट की बात की लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सवाल किया कि चुन चुन कर मारना, दिमाग ठीक करना, मुसलमानों का संपूर्ण बहिष्कार, तबियत दुरुस्त कर देना, अगर ये हेट स्पीच नहीं है तो फिर नफरत भाषण क्यों है। इसी बीच अगली बड़ी की मनकाल किशन जस्टिस देवाई चंद्रचूर होंगे 50वें सीजीआई चीफ जस्टिस। यूली ललित ने सरकार को भेजा नाम, चौंसा पदे। जस्टिस डिबाई चंद्रचूर देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस यूली ललित ने अपने उत्तराधिकारी यानी देश के अगले सीजीआई के तौर पर मोदी सरकार से जस्टिस डिबाई चंद्रचूर के नाम की सिफारिश की है। केंद्र की मोदी सरकार को पत्र भेजने से पहले चीफ जस्टिस यूली ललित ने आज सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की मीटिंग बुलाई थी। परंपरा के मुताबिक देश के मौजूदा सीजीआई अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश करने वाला औपचारिक पत्र सरकार को भेजते हैं। दरअसल मोदी सरकार ने सीजीआई यूली ललित से अगले सीजीआई के नाम की सिफारिश मांगी थी। यूली ललित का कार्यकाल 8 नवंबर तक है। परंपरा के मुताबिक सीजीआई दूसरे वरिष्ठतम जज के नाम की सिफारिश सरकार को भेजते हैं। अभी जस्टिस यूली ललित के बाद जस्टिस डिबाई चंद्रचूड़ दूसरे
वरिष्ठतम जज होंगे और वो है भी। इसी बीच अगली बड़ी खबर, मंडकाल कृष्ण एकनाथ शिंदे को मिला चुनाव चिन्ह, तलवार ढाल से होगा उद्धव की मशाल का मुकाबला, चौंसा पदें। चुनाव आयोग ने मंगलवार को एकनाथ शिंदे गुट को भी चुनाव चिन्ह जारी कर दिया है। आयोग ने उन्हें दो तलवारें और ढाल वाला चिन्ह जारी किया है। मालूम हो कि उद्धव ठाकरे को टॉर्च और मशाल वाला चिन्ह जारी किया गया है, वहीं उनकी पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे रखा गया है। इसके बाद चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे से चुनाव चिन्ह के लिए तीन विकल्प मांगे थे। दिए गए विकल्पों के आधार पर शिंदे गुट को ये चिन्ह जारी किया गया है। एकनाथ शिंदे गुट को सोमवार को बाला साहेब बंची शिवसेना का नाम दिया गया है। एकनाथ शिंदे गुट ने इससे पहले भी चुनाव आयोग को तीन विकल्प दिए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने उन तीनों विकल्पों में से दो को रिजेक्ट कर दिया था। वहीं तीसरा वाला क्योंकि डीएमके के चुनाव चिन्ह से मेल खा रहा था, ऐसे में उसे स्वीकार नहीं किया गया। अब शिवसेना और एकनाथ शिंदे में महामुकाबला उपचुनाव में होने चाहिए। अगली बड़ी खबर, मंडकाल कृष्ण अपने ही मुख्यमंत्रियों को पैदल कर देते हैं, नरेंद्र मोदी पहले यूपी और अब गुजरात के सीएम के साथ बही सलूक। चौसा में प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में गुजरात दौरे की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वह गाड़ी पर बैठकर अपने काफिले के साथ रोड शो कर रहे हैं और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल काफिले के साथ पैदल चल रहे हैं। इस पर यूपी कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी अपने ही मुख्यमंत्रियों को पैदल कर देते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने इसके साथ एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें एक वीडियो में यूपी के सीएम योगी यूपी में मोदी के रोड शो के दौरान उनके काफिले के साथ पैदल चल रहे हैं। वहीं दूसरी वीडियो में हाल का गुजरात का वीडियो है, जिसमें पीएम के रोड शो में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल उनके काफिले के साथ पैदल चलते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ यूपी कांग्रेस ने कहा कि लोकतंत्र को एक तंत्र में बदला जा सकता है, इसे रोकने के लिए रोजाना परिधान बदलने वाला प्रधान बदलना पड़ेगा। दरअसल पीएम मोदी पर अक्सर अपनी छवि के आगे अपनी ही पार्टी के अन्य नेताओं को कमतर दिखाने के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन एक बार फिर से ये मोदी ने कर दिखाया है और गुजरात के सीएम को भी अपने काफिले के पीछे चला दिया है।